दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज की तरफ से। मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर वार्ड में। हमारे बीच नव नियुक्त मंडल अध्यक्ष परवीन सिंह जी से हम बात करेंगे। परवीन सिंह जी, आपको स्वागत करें हमारे स्टार सिटी न्यूज के लिए। थोड़ा आवाज तेज परवीन सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, आपको जैसे पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने आपको मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो कैसा आपको लग रहा है? आपको एक खुशी का आपको एक लग रहा होगा कि आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो आने वाला समय कैसा रहेगा सर पार्टी को लेकर, आप कितना मजबूती को ले जाएंगे? सर, पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दे रखी है, 93 से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ओके, उसको देखते हुए, पार्टी ने मेरी कार्यशैली को देखते हुए ये जिम्मेवारी दी है जी। और मैं उस शीर्ष नेतृत्व का स्वागत करता हूँ, इज्जत करता हूँ जो मुझे ये सम्मान प्रदान किया है जी। और आगे मैं ये वादा करता हूँ जी, और कोशिश भी करूँगा कि जो भी पार्टी मुझे काम दे रखी है, जिम्मेवारियाँ दे रखी है, उसकी जिम्मेवारी को मैं खड़े उठाऊँ। परवीन जी, मेरा आपसे सवाल है, आप जो समाज सेवक हैं आप और राजनीति तो कर रहे हैं, तो समाज में आपका किस तरह का रोल है और कब से आप सेवा करते आ रहे हैं समाज के? सर, बीजेपी पार्टी तो मैं 93 में ज्वाइन किया। ओके, उस समय से मैं कॉलोनी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं कॉलोनी का कोषाध्यक्ष रहा हूँ जी। 93 से ही कोषाध्यक्ष रहा हूँ मैं। और अभी एक मंदिर का भी निर्माण किया था, मंदिर का भी हमने भगवान सूर्यदेव मंदिर बना रखा है जी, उसका भी नेतृत्व मैं ही करता हूँ। ओके, और उसका भी कोषाध्यक्ष मैं ही हूँ। तो इस हिसाब से कॉलोनी का लगभग 30-25 सालों से मैं नेतृत्व करता आ रहा हूँ। तो समाज में किस तरह का आपका रुझान है, जैसे क्षेत्र में जो भी समस्या होती है, अब समाज में किस तरह उनका निवारण करते हैं? सर, समाज के जो भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पहले तो जो भी हमारे प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके माध्यम से काम कर रहा हूँ। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं जी, तो मैं सीधे डिपार्टमेंट को फिर अप्रोच करता हूँ, और डिपार्टमेंटल में काम जहाँ तो संभव होता है वहाँ तक मैं करवाता हूँ। सर, क्षेत्रीय आपके निगम पार्षद हैं रणधीर जी जी, कैसा उनका साफ सफाई को लेकर कैसा रोल है क्षेत्र में? सर, हमारे विकासपुरी वार्ड में, सर विकासपुरी विधानसभा में पूरे 6 निगम पार्षद, 6 और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 6 में सबसे अगर ज़्यादा काम कोई करने वाला है तो हमारे 23S के निगम पार्षद रणधीर कुमार जी कर रहे हैं। जैसे कि सर, जैसे कि साफ सफाई का काम हो, और रात दिन सुबह 6 बजे बाइक लेकर के खुद क्षेत्र में होते हैं और गली गली उनका घूम करके हर आदमी को अप्रोच करते हैं और उनसे पूछते भी हैं, भाई क्या कोई समस्या है मुझे बताइए। और साफ सफाई को लेकर इनका बहुत ही अच्छा है, साथ में इनका व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया रहा है, और समाज से भी, ये समाज से भी बहुत दिनों से रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, इस वजह से पब्लिक का रुझान के प्रति बहुत ही अच्छा है। प्रवीण जी, आप पीछे से कहाँ से हैं? आप एक रोमांचल से बिलोंग करते हैं जी, कहाँ रहते हैं? पीछे से सर हमारा कैमूर जिला पड़ता है, कैमूर जिला है जी, बिल्कुल बॉर्डर पे ही, बिहार का बॉर्डर है, और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। 10वीं का पढ़ाई में वहाँ से पढ़ा था, इसके बाद 11वीं में दिल्ली में एडमिशन लिया था, 11वीं में 12वीं किया था मैं जी, जी। तो 12वीं में करने के बाद, इसके बाद मैं अपना कामों में लग गया, अपना खुद का उद्योग है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है प्रवीण जी, जैसे आपने देखा पूरे कोरोना काल को देखते, जब लॉकडाउन लगे 23 मार्च को, और कुछ समय जैसे मजदूर है या किराएदार वर्ग हैं पूर्वांचल से जी, काफ़ी उन्होंने सर कठिनाइयों का सामना उठाया उन्होंने, और आप भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो एक संकट था एक महामारी को देखते हुए, आपका क्या रोल रहा उसमें समाज में, या आपने उनको किस तरह जागरूक किया? सर, ऐसा है कि कोरोना काल में हर किसी को जो भी मेरे पास आया, जिस प्रकार की मदद के लिए आया, पहले तो मैं काफ़ी लोगों को राशन खुद दिया हूँ जी, इसके बाद निगम पार्षद जी द्वारा राशन बंटवाया, कम से कम 2000 मास्क में बांटा हूँ, खुद अपने हाथों से बांटा हूँ। ओके, और पूरे कोरोना काल के अंतर्गत यहाँ के निगम पार्षद द्वारा इनके साथ मिल करके मैं उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था करवाया हूँ, और खुद जाते थे गाड़ी में लेके, निगम पार्षद जी होते थे उनके साथ में, मैं खुद होता था, और जा करके जितने बड़े बड़े घेर हैं जहाँ पे किराएदार हैं वहाँ पर खुद पहुँचाते थे अपने हाथ। सर, विकासपुरी विधानसभा आपकी लगती है, यहाँ के विधायक हैं अभी महेंद्र यादव जी, तीसरे बार यहाँ से विधायक चुन के आए हैं जी, कैसा रोल है उनको क्षेत्र को लेके, और क्या क्या समस्या है फिलहाल? सर, समस्याएँ का तो अंबार, मैं गिनती नहीं करा सकता। हाँ जी, इतनी समस्या है,
विकास नगर के एक भी गली ऐसा नहीं जो खुदा पड़ा नहीं, किसी भी गली से आप निकल नहीं सकते। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, आप एक बच्चा भी जाकर उनसे बात कर सकता है, नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल ही वो जीरो है, कोई जीरो काम नहीं करा सकते, काम को लेकर लापरवाही कम बरत रहे हैं जी। इसके बाद पूरे पुराना काल में वो कहीं दिखाई नहीं दिए कि क्षेत्र के अंदर कहीं पुराना काल में आए खोदा है या कोई मिलने के लिए भी उनसे जाता था तो वो मना कर देते थे, घर में ही रहते थे। अरविंद जी, आपके माननीय अध्यक्ष गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने, कैसा संगठन को आने वाले समय किस तरह वो अपने मजबूती की ओर ले चला जा रहे हैं? सर, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी बने हैं उनके नेतृत्व में जिले का गठन हो रहा है, उनके नेतृत्व में मंडल का गठन हो रहा है और उनकी ये कोशिश है कि युवा वर्ग आगे आए। बिल्कुल जी, युवा वर्ग आगे आए और हमारी भी कोशिश यही है कि अगर मुझे भी जिम्मेवारी मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं युवा वर्ग को आगे लेकर के आऊँ ताकि उनके अंदर एक जोश हो और जोश के साथ में पार्टी के काम को आगे बढ़ाएं। पार्टी नेतृत्व तो जो भी हमें देगी काम उसके साथ मिलकर हम आगे करेंगे। सर, निगम चुनाव में क्या लगता है 22 में क्या रुझान देखने को मिल सकता है? सर, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है जिस हिसाब का कार्यशैली है हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी बहुमत से हम जैसे आए हैं इससे भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सीट निकलेगा और हम अच्छा करेंगे निगम में। अरविंद जी, आपसे एक सवाल हो रहा है, जैसे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो जो उनकी नीतियाँ हैं, जैसे आप देख रहे हो हमारा देश काफ़ी आगे मजबूती की ओर जा रहा है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप मोदी जी के लिए? जी, मोदी जी के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ और पब्लिक के सामने जो भी मेरी बात होती है लोग यही कहते हैं कि मोदी जी के बारे में तो जितना ही कहा जाए कम है, देश जितने तरक्की कर रही है शायद हम लोग सपने में नहीं सोचे, यहाँ तक मैं खुद नहीं सोचा था कि ऐसा संभव होगा, जो आज हम सपना देखते थे कि शायद हो जाए और हमारे कार रहते हुए ये काम होगा मोदी जी के नेतृत्व में, अब इससे बड़ा हमारे लिए क्या होगा। तो जिस प्रकार जैसे मोदी जी ने भी राम मंदिर का पहले ऐसे मुद्दे उठाए हैं, बता दिया सर कि मैं गिनती नहीं कर सकता इनके काम के बारे में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, तो चाहे आपके ये 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 धारा का मुद्दा है, या जैसे हम चाइना के सामने हमारा बॉर्डर मजबूत हो रहा है सबसे पहले इसका मुद्दा है, हर जगह हम इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि हमारा एक सपना था आज हमारा सपना पूरा हो रहा है और आने वाला समय है, हमें उम्मीद है कि हम एक महाशक्ति के रूप में उभर कर के आएंगे। आने वाले समय चुनाव में कोई आपकी प्लानिंग है चुनाव नगर निगम चुनाव में पार्टी टिकट देती है? नहीं सर, अभी तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसी हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी संगठन को ही संगठन को जितना हो सकेगा उतना मैं मजबूत करूंगा, रात दिन मेहनत करके संगठन को मजबूत करूंगा, पार्टी ने मुझे संगठन मजबूत करने के लिए ही दिया है, मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे मंडल अध्यक्ष बना दिया है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने वार्ड को सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया वार्ड बना देता हूँ। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात प्रवीण सिंह जी से स्टार सिटी के साथ में जितेंद्र गुप्ता।